हेलो दोस्तों, मैं शिवांग भारद्वाज एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि मैं आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कई सारी वीडियोस दिखाता हूँ। आज मैं जिस वीडियो को दिखाने जा रहा हूँ उसमें मैं बात करूँगा विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्था अथवा सिंचाई समय के बारे में, और भारत समुद्र मतलब भूमि पर उपलब्ध जल स्रोतों के बारे में। मेरी पुरानी वीडियोज में आपने कई सारे टॉपिक्स देखे हैं, इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट देखा है, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी एंड वाटर यूज एफिशिएंसी देखी है। मैंने आपको 204 को टॉपिक्स पुरानी वीडियोज में बताए हैं। मेरी सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और मेरी वीडियोस को देखें। बाकी आने वाली वीडियोज के साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक आज का, जिसमें मैं क्रांतिक अवस्था के बारे में बताऊंगा। तो ये टॉपिक नंबर 205, विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्था अथवा सिंचाई समय निम्न है। तो बात करते हैं गेहूं, जो कि हमारा एक इम्पोर्ट महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, तो इस पर मैं बात करता हूँ। इसमें पांच क्रांतिक अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। नंबर एक, शिखर जड़ बनते समय, जो कि बुवाई से 20-25 दिन के अंदर होता है। नंबर दो, कल्ले निकलते समय, जो कि 40 से 45 दिन के अंदर होता है। नंबर तीन, तने में गांठ पड़ते समय, जो कि 60 से 65 दिन पे होता है। नंबर चार, फूल आते समय, जो कि 85 से 90 दिन पे होता है। नंबर पाँच, दानों में दूध बनते समय, जो कि बुवाई के 110 से 115 दिन पे होता है। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं जौ व जई की। तो जौ व जई में ज़्यादातर दो सिंचाई महत्वपूर्ण होती हैं, शिखर जड़ बनते समय व फूल आते समय। अब बात करते हैं नंबर तीन पे हम चना, मटर, मसूर, अरहर एवं दलहनों में, यानी कि जो हमारे ये दलहन है, चना, मटर, मसूर, अरहर है, इनमें ज़्यादातर दो सिंचाइयाँ महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो शाखाएँ फूटते समय और दूसरा फूल निकलते समय। नंबर चार में बात करते हैं सरसों व राई आदि में, इसमें शाखाएं फूटते समय, फूल निकलते समय दो सिंचाइयाँ महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर पाँच, गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने में कल्ले निकलते समय, कल्लों की वृद्धि समय और गन्ने में चीनी पड़ते समय, ये तीन सिंचाइयाँ महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर छः पे बात करते हैं धान की, तो धान में कल्ले फूटते समय, फूल व फल आते समय सिंचाइयाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर सात में बात करते हैं मक्का की, तो मक्का में फूल आते समय और दाने में दूध बनते समय, ये दो सिंचाइयाँ महत्वपूर्ण होती हैं। ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार में फूल आते समय एक सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ये कुछ फसलें थीं जिसके मैंने क्रांतिक अवस्था के सिंचाई समय के बारे में बताया था। अब आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 206, भूमि पर उपलब्ध जल स्रोत रूप एवं उनकी प्रतिशत मात्रा, यानी कि हमारी जो भूमि पर पृथ्वी पर संपूर्ण जल जिस स्रोत में, जिस रूप में और उनकी कितनी प्रतिशत मात्रा है, इसके बारे में बताऊंगा। तो जल संसाधन रूप और प्रतिशत मात्रा, बात करते हैं समुद्र जल, जो कि द्रव रूप में है, इसकी प्रतिशत है 97.16%। ये द्रव मात्रा में हमारे पृथ्वी पर इतना जल है। ध्रुवीय बर्फ एवं पर्वतीय बर्फ, जो कि ठोस रूप में है, इसमें 2.01% है। भूमिगत एवं मृदा जल, जो कि द्रव में है, ये 0.58% है। नंबर चार, नदियों एवं झीलें, जो कि द्रव के रूप में है, ये 0.16% है। वातावरणीय जल, जो कि गैस के रूप में, ये 0.0009% है। तो ये पांच प्रकार, यानी कि पांच रूपों में हमारे पृथ्वी पे संपूर्ण जल उपलब्ध है, जो कि इस परसेंटेज के रूप में है। नंबर बात करें दो टॉपिक नंबर 207 पे बात करें, जीव कोशिकाओं में जल का प्रतिशत 70 से 90% तक होता है, यानी जो हमारी जीव कोशिकाएं हैं उनमें जल 70 से 90% तक पाया जाता है। टॉपिक नंबर 208, पादप कोशिकाओं में जल की मात्रा 75 से 80% होती है। टॉपिक नंबर 209, पानी जीव जगत की आधार अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग होता है, यानी जो हमारा पानी है वो
प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा ही हमारा पूरा जीव जगत का आधार टिका हुआ है। तो इसकी एक रिएक्शन है यानी कि समीकरण है प्रकाश संश्लेषण की, वो किस तरह से है, जो कि 6H2 6CO2 प्लस 12H2O ये डेट के पर्ण हरित की उपस्थिति यानी क्लोरोफॉर्म क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है। तो इसमें जो मटेरियल बनता है वो है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 प्लस ऊर्जा, यानी कि इससे हमारे 6 अणु पानी के निकलते हैं, 6 अणु ऑक्सीजन के निकलते हैं, जो कि इस जीव जगत का आधार इसीलिए इसे कहते हैं क्योंकि इससे हमारे लिए एक तो खाद्यान्न की प्राप्ति होती है, दूसरे हमें जो सबसे आवश्यक ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो हमें इससे प्राप्त होती है। तो ये हम मैंने 209 टॉपिक तक आज को इस वीडियो में बताए थे। अगली वीडियो में मैं आपको भारत की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं के बारे में और उनका अदर उत्तर प्रदेश के कई सारी परियोजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरी वीडियोज के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियोज से सबसे पहले आप बने रहें। और मेरी पुरानी वीडियो के देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर जाएं और मेरी पुरानी वीडियोज को ज़रूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।